नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डीएन श्रीवास्तव डीएन न्यूज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल नवरात्रि और दुर्गा पूजा के महापर्व का समापन हो गया। दिल्ली में मनाया गया नवरात्रि का पर्व और मां दुर्गा की हुई पूजा अर्चना पर पेश है डीएन न्यूज नेटवर्क की एक खास रिपोर्ट। नवरात्रि का पावन महापर्व दुर्गा पूजा एवं विजयदशमी का समापन हो चुका है। कल तक जो रंगीनियां, सजावट और चहल पहल दिखाई दे रही थी, अब वैसा नहीं है। वास्तव में प्रतिवर्ष शरद ऋतु में ये दोनों त्योहार एक ही समय में आते हैं और इनके आते ही हर मानव के अंदर एक अजीब से हर्षोल्लास की अनुभूति होने लगती है। लोग अपने घरों को सजाने संवारने में जुट जाते हैं। हर कोई अपने घर को एक सुंदर सी बगिया की भांति बनाने में लग जाता है। बच्चे हो या युवा, कन्या हो या महिला, सभी नवीन वस्त्र धारण कर घर में बने मंदिर को सुगंधित फूल पत्तियों से सजाने चल पड़ते हैं। चारों ओर एक खुशी का वातावरण फैल जाता है। क्या गरीब क्या अमीर, लोग हर संभव प्रयास कर नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी में जौ बोकर उस पर कलश स्थापना कर नारियल चुन्नी चढ़ाकर दीप प्रज्वलित कर शेर पर सवार माँ दुर्गा के प्रतिमा की 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी की 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। इसी कारण इस पर्व का नाम नवरात्रि मशहूर हुआ। रात रात भर जागकर लोग भारी संख्या में माता को मनाकर अपने घर तक लाने के लिए सुंदर और मनमोहक भजनों की भेंट माँ के चरणों में अर्पित करने के लिए पूरी रात जगराता करते हैं। रात रात भर नाचते गाते और अपनी पूरी शक्ति से माँ का आह्वान करते हैं। कहीं डांडिया तो कहीं गरबा, कहीं भांगड़ा तो कहीं मनमोहक रसीली संगीत में विभोर माँ के कारनामों पर झांकियां करते कलाकार, एक अजीब सा सुंदर माहौल हो जाता है जब नवरात्रि का त्योहार आता है। नाचती गाती और मनमोहक धुनों पर थिरकती एक अलग मनभावन दुनिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन 9 दिवसों में लोगों के मन से भय, क्रोध, आलस, दुश्मनी, लालच सब नष्ट हो चुका हो। जैसे कहीं कोई बैर न हो, कहीं कोई गैर न हो, चारों ओर भाईचारा और अपनापन, एक स्वर्ग सा माहौल। हर कोई भूखे को अन्न खिलाने में जुट जाता है, मानो जैसे हर मानव में कोई ईश्वरीय शक्ति का वास हो रहा हो। और जैसे ईश्वर कभी किसी को भूखा नहीं रखता, वैसे ही नवरात्रि के पावन पर्व पर हर रोज भूखों का पेट भरने के लिए लोग अपना भंडारा खोल देते हैं। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन व्रतधारी 9 कन्याओं की कंजिका पूजन कर अपना व्रत तोड़ देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां विविध भांति के और संप्रदाय के लोग वास करते हैं। नाना प्रकार की रीतियां, विभिन्न प्रकार के संस्कार, अलग अलग वेशभूषा, रहन सहन, खाना पानी से लेकर देवी देवता की पहचान और पूजन विधि चाहे कितनी भी भिन्न क्यों न हो, पर देश की एकता और अखंडता में कहीं कोई लोच नहीं, कहीं कोई आँच नहीं। चाहे विचारों में कितनी भी विविधता और भिन्नता क्यों न हो, पर जब बात भारत माँ के आन बान और शान की आ जाती है, तब सभी धर्म संप्रदाय जाति क्षेत्र के लोग एकजुट होकर एक ही स्वर में बोलते दिखाई पड़ते हैं। शायद भारत की यही खासियत है और शायद इसी कारण हमारा भारत दुनिया में सभी देशों से जरा हट कर है, और यही है हमारे खूबसूरत भारत की अनोखी पहचान।
यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस तरह की नई जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे इन वीडियोस को, और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए इस बटन पर दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।